बोला जी चले जी हाँ चलिए खा बेटा तुझे अच्छा लगता है ना बहुत टेस्टी बना है माँ अक्षरा तुम भी लो ना अभी लेती हूँ हाँ अभी तो दादा का वेट कर रही है उनके साथ ही खाएंगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है लेती हूँ लगता है ये लोग आ गए गुलाबो जा चाय चढ़ा दी मीना अकेले आ रहे हो बेटा जी भाभी माँ काम जल्दी खत्म हो गया दादाजी और बाबूजी को ऑफिस से निकलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा दादाजी थोड़ा सा हिसाब देख रहे हैं ठीक है बेटा तू बैठ गरम गरम नाश्ता कर हाँ मैं चेंज करके आता हूँ अक्षरा मेरी अलमारी से मेरे लिए कपड़े निकाल दीजिए जल्दी आ गए काम कम था क्या काम तो उतना ही था लेकिन पता ही नहीं चला आज से स्नेहा जी ने ज्वाइन किया था ना तो बस बातों बातों में सारा काम ही निपट गया बड़े दिनों बाद इतना अच्छा दिन गुजरा है क्या बातें हुई आप पूछेंगे नहीं वही जो बातें मैंने आपसे सुबह कही थी स्नेहा जी को साफ साफ कह दिया कि उन्हें ऑफिस आकर डिजाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं हाँ तो क्या कहा उन्होंने वो मान गए अच्छा ये आपने बहुत अच्छा किया जब वो घर बैठकर ही सारा काम मैनेज कर सकती है तो फिर ऑफिस आने का क्या मतलब है अब इस नाचीज को कोई नाश्ता वाश्ता मिलेगा कि नहीं आप फ्रेश हो जाइए भाभी माँ ने आज खुद नाश्ता बनाया है तो इसका मतलब हम दोनों नाश्ता साथ में कर सकते हैं मैं अभी आई इतनी देर क्यों लगा दी बोला सारे बर्तन हमने धोए हैं हाथ थक गए हमारे सुबह तो बड़ा बोल रहे थे हम तुम्हारा हाथ बटाएंगे चार सब्जी लेके आए हो इतना वक्त लगता है घूमने चले गए होगे बोला तुम तो रोज पूछने के लिए आते हो ना मुझसे कि क्या लाना है और क्या नहीं लाना आज क्यों नहीं आए थे अरे मुंह में दही जमाई क्या कुछ बोलते क्यों नहीं बड़ी माँ आप इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं है कोई बात नहीं देर हो गई तो सब्जी तो लेकर आए हैं ना तीन गिनती की सब्जी लेकर आए हैं बताइए हाँ ये पत्ते लेने गए थे वहाँ बोला हाँ इतनी कम सब्जी क्यों लेकर आया है जब तू इतनी दूर गया ही था तो ज्यादा सब्जियां ले आता हाँ बड़ी माँ आप इतने प्यार से डांटेंगी ना तो इनको कुछ समझ में नहीं आने वाला है अब हम तुम्हारी शिकायत करेंगे हुकुम सरकार से धनिया हुकुम से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है इतनी छोटी छोटी बातों को बढ़ावा मत दे मैं खुद समझा दूंगी भोला को हाँ बोल सुबह से शाम क्यों कर दी कहा था ना जल्दी घर वापस आना सारा काम पड़ा है अब चल जल्दी चल सारा काम निपटा आप भी ना भोला जी हद करते हैं ये बड़ी बहू भी ना अब बता भोला सबके सामने मैंने तुझे डांटा तुझे बुरा तो नहीं लगा भोला अब बोल क्या हुआ भोला तू ऐसे चुप क्यों है मुझे सच सच बता क्या हुआ ए भगवान तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है
मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी बोल। कैसे कहूं बड़ी माँ? अरे इससे पहले कि कोई आ जाए जल्दी बोल बोला, बता क्या हुआ? बड़ी माँ वो जमाई सा और वो लड़की दोनों दफ्तर से निकलकर काफी वाली दुकान में गए थे। तूने ध्यान से देखा था ना भोला, वो जमाई से आई थे, कोई और नहीं था? हाँ हाँ वही थे बड़ी माँ, खूब अच्छे से देखा था मैंने। क्या हम अपने जमाई साहब को नहीं पहचानेंगे बड़ी माँ? वही तो थे। तू सुन सका क्या बात कर रहे थी? बोलो। हमारे को पास जाने से डर लग रहा था, मैंने दूर से ही देखा, सुन तो नहीं पाए लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ काम की बात कर रहे हैं, जैसे दफ्तर में करते हैं। काम की बात करनी होती तो दफ्तर में ही करते ना, दफ्तर के बाहर बात करनी क्यों? तो अब क्या करेंगी बड़ी माँ? हेलो माँ। अक्षरा बेटा कैसी हैं आप? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? ठीक हूँ। अच्छा और चाय नाश्ता हो गया? बस माँ चल ही रहा है, ये अभी ऑफिस से लौटे हैं। अच्छा अच्छा आ गए जमाई सा दफ्तर से? जानती है आज मैंने जमाई सा को देखा, तो वो क्या हुआ कि मैं रक्षाबंधन के लिए राखियां लेने जा रही थी, रतन को भेजनी है ना, तो मैंने सोचा कि चलो बड़ी मंडी चली जाती हूँ, वहीं जहाँ जमाईसा का दफ्तर है, तो वहीं मुझे जमाईसा दिखे। पास में कॉफी हाउस है ना, वहीं कॉफी पी रहे थे। कॉफी? माम ये कॉफी नहीं पीते हैं, आपने किसी और को देखा होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जमाईसा को ना पहचानूं? उनके साथ शायद दफ्तर की कोई लड़की थी, उसी के साथ बैठे थे। वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कोई काम की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं मिलने नहीं गई। हाँ अच्छा हो सकता है माँ। वो बेटा तू तो कह रही थी ना कि वो कॉफी नहीं पीते, तो जमाईसा से कहना कि ये आदत ना ही डालें तो अच्छा है, नुकसान करती है ये सब चीजें। अरे लो जिस बात के लिए फोन किया था वो तो मैं भूल ही गई। अच्छा ये बता तू रक्षाबंधन पे आ रही है ना? वो शौर्य पूछ रहा था कि वो कब लेने आए। अब माम मैं आपको फोन करके बताती हूँ। ठीक है बेटा ठीक है। आप अब तक यही हैं? क्या सोच रही हैं अकेले? सब लोग तो नीचे बैठे हैं। कुछ नहीं मैं आप ही का वेट कर रही थी। चलिए मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं चाय नहीं, मैंने आज कॉफी पी ली। आप तो कॉफी पीते नहीं हैं, तो ये नया शौक कब से हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, वो मीटिंग के लिए। दादा जल्दी आइए, नीचे राखी सिलेक्ट करनी है। आप चलिए, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। हाँ माँ सही कह रही थी, स्नेहा योगी इनके साथ, लेकिन इन्होंने तो मुझसे कहा था कि ऑफिस आने से मना कर दिया है उसे। फिर
लो इसमें से मुन्ना के लिए राखी पसंद कर लो। भाई वाह, बड़ी सुंदर राखियां हैं। ये तो मैं लूंगी, ये मुझे अच्छी लग रही है। नहीं दीदी, ये मैं दादा को बांधूंगी। नहीं रश्मि, तुम कोई और ले लो, नैतिक तो मैं यही राखी बांधूं। माँ, दीदी को बोलिए ना, ये मैं दादा को बांधूंगी। बेटा रश्मि, जब तक नंदिनी बिटिया यहाँ है उसकी ही बात सुनी जाएगी। राखी चुनी जा रही है, तुम्हारी जेब खाली करने की तैयारी की जा रही है। इसमें जेब खाली करने की क्या बात, ये तो बहनों का हक होता है। राखी के दिन तुम्हारी जो भी इच्छा हो अपने भाई से लेना। आप भी हमारे साथ बैठिए ना। अरे हमारे साथ पधारो। खुश रहो, खुश रहो। सुखी रह। दीदी लगता है इन्हें आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। राजी, सब कुशल मंगल? जी भाभी माँ। जीजू, वैसे अच्छा हुआ आप आ गए, हम आप ही को याद कर रहे थे, हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं। अरे छोरी, बात बाद में कर लीजो, अरे पहले यहाँ नाश्ता तो करन दे। जी दादाजी, वो मैं घर से चाय और नाश्ता करके आया हूँ। वो दरअसल मैं इन्हें लेने आया हूँ। लेकिन बेटा, नंदिनी तो रक्षाबंधन तक रुकेगी ना हमारे पास। जी भाभी माँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन माँ की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ उन्हें? बुखार है, अगर आप चल सकती तो। जब समन जी की तबीयत ठीक ना है तो नंदिनी ने जाना चाहिए। अब इसमें सोचने की क्या बात है। नंदिनी बेटा, जाने की तैयारी कर। वैसे राखी पर तो आ ही रही है ना, कुछ ही दिनों की बात है, और उस बार आप इन्हें पूरे दिन के लिए भेजिएगा। बेटा सामान बांधने में मदद करो। बैठने देना उन्हें, जानता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है, भाभी के साथ ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है। स्कूल का काम खत्म किया है? नहीं। जा, जल्दी जा खत्म कर। सॉरी भाभी। माँ, अच्छे से तो मैं ही मजाक कर रही थी। क्या करूं, मैं भी ना घबराहट सी बैठ गई है मन में। चल तू बैठ बेटा। क्यों माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अच्छा ये बता, अक्षरा से बात हुई? किस बारे में? नहीं मतलब ऐसे ही। ठीक है, तू आराम कर, मैं तो बस यूं ही आ गई थी।
माँ आप बहुत परेशान लग रही हैं, कुछ हुआ है क्या? अक्षरा ने कुछ कहा? नहीं तो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरी दादी ठीक कहती है, चिंता करना तो मेरा स्वभाव ही बन गया है। चिंता के बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ता, हर समय घबराहट, चिंता, फिक्र। हाँ, वो अक्षरा के बारे में मैं इसलिए पूछ रही थी कि रक्षाबंधन पे जमाई साहब भी आएंगे ना उसके साथ, मतलब खाने वगैरह की तैयारी फिर उस हिसाब से करनी होगी ना। माँ ऐसा करती हूँ, मैं अक्षरा से फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा, तू उसे फोन कर ले। और सुन, जरा अच्छे से बात करना, मुझसे तो वो ठीक से कुछ कहती नहीं है। कर ले बात। नंदिनी के जाने की वजह से उदास है ना भाभी? माँ दिल छोटा मत करिए, हम रक्षाबंधन वाले दिन मुन्ना को भेजकर नंदिनी को यहां बुला लेंगे। देखिए ये देखिए कैसे लगे कंगन, रक्षाबंधन वाले दिन मुन्ना की तरफ से नंदिनी को देंगे। मैंने सोचा मुन्ना कहीं भूल ही ना जाए, इसलिए मैंने बनवा ली। लो, यही सोचकर मैंने भी उसके लिए कंगन मंगवा लिए। हम दोनों कितना एक जैसा सोचते हैं ना, कि कहीं मुन्ना भूल ना जाए। और मैं भी, मुझे लगा अगर आपका मुन्ना भूल गया तो, इसलिए मैं भी दीदी के लिए गिफ्ट ले आया। तीन तोहफे हो गए। भाभी माँ, मुझे पूरा यकीन है दीदी रक्षाबंधन के लिए जरूर आएंगी। लीजिए। दादा? हाँ? आपको बाबूजी बुला रहे हैं। अच्छा, मैं भी आया। वर्षा का फोन है, मैं अभी आई। नंदिनी को पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। बोल वर्षा, कैसी है? मैं ठीक हूँ। और ठीक से खा पी रही है ना? हाँ हाँ, मैं तो खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रही हूँ। और तू बता, माँ तो खूब रौनक हो रही होगी ना? हाँ, वो दीदी वापस घर चली गई है ना, उनकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर सूना सूना हो गया है। हाँ, जैसे तेरे जाने से हमारा घर हो गया है। अच्छा सुन, एक बात पूछूं? क्या? तूने माँ से कुछ कहा है क्या? वो थोड़ी परेशान सी लग रही थी, मुझसे जानना चाह रही थी कि कोई बात तो नहीं, जैसे उन्हें कोई खटका सा लग गया हो, कि तुम दोनों के बीच कोई टेंशन तो नहीं? नहीं वर्षा, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है, उन्होंने शायद स्नेह और नैतिक को कैफे में देख लिया है। उनका फोन आया था सुबह, तभी बता रही थी। क्या? हाँ, अब वो स्नेहा को तो जानती नहीं है, लेकिन कह रही थी कि किसी लड़की के साथ देखा है, और कौन होगी, वही होगी। अच्छा, अक्षरा मैंने तुझे पहले भी कहा है, इन बातों पर थोड़ा सीरियसली ध्यान दे, इससे पहले की बात बढ़े तू संभाल ले। क्या करूँ वर्षा, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने नैतिक से भी बात की, उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, साफ साफ कह दिया, और फिर अम्मा ने भी देख लिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वर्षा, मैं स्नेहा से मिल लूं? उससे? हाँ, किसी बहाने से मिल लेती हूँ ना, और फिर बात करने से, मिलने से पता चल ही जाता है कि इंसान कैसा है, क्या चाहता है। लेकिन उससे मिलेगी कैसे? यही तो नहीं समझ में आ रहा है, ये तो सोचना पड़ेगा।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।